रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, मामे कमला काका चाचा मामा बाबा कहते हैं, अब सबसे बुद्धि का योग निकाल कर एक बाबा से बुद्धि का योग जुटाना है। भक्ति में बोलते थे ना, तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें वो, प्रैक्टिकल में अभी बाबा सर्व संबंधों से हम बच्चों से मिल रहे हैं। सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल कर मामे कम याद करो, यही मंजिल है, यही पुरुषार्थ करना है कि सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाए रे, शिव बाबा में बुद्धि का योग जुड़ जाए। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? भक्ति में तो धन का दान करते हैं तो साहूकार के घर में जन्म लेता है, अभी क्या करते हैं भक्ति में? हाँ, वहाँ पे तो जितना धन का दान करेंगे तो साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, और यहाँ कौन सा अच्छा कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए साहूकार बन जाते हैं? हाँ, 21 जन्मों का साहूकार बनने के लिए अभी हम कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हैं? मनुष्य देवता बनाने का। साहूकार कैसे बनेंगे? साहूकार इस जन्मों के लिए कैसे बनेंगे? उत्तर है, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म क्या है? ज्ञान रत्नों का दान। क्या बांट के आए अभी? ज्ञान बांट के आए, किसी को धन बांट के नहीं आए, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है। ज्ञान धन बाबा कहते हैं, ज्ञान धन सबसे सर्वोपरि धन है, क्योंकि वो धन तो कोई ले सकता है, लेकिन जो मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान है वो ज्ञान कभी किसी से छीन नहीं सकता है, कोई चोर नहीं ले सकता है, कोई आग उसको जला नहीं सकती, कोई पानी उसको बहा नहीं सकता, इसको कहते हैं ज्ञान का धन। तो अभी हम सबको क्या दान करके आए? घर घर जाकर ज्ञान बांट कर आए, ये दान सबसे बड़ा दान है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना, ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर होकर 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। यही जो ज्ञान के रत्न है वहाँ जाके क्या बन जाएंगे? अविनाशी धन। विनाशी धन बाबा कहते हैं, यही विनाशी धन बन जाता है, इससे ही माला माल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना
यही है सर्वोत्तम सेवा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना ही क्या है? सर्वोत्तम सेवा। सर्वोत्तम बात है, सर्वोत्तम सेवा ही है, क्योंकि इस संसार में चारों तरफ अभी अज्ञान का घोर अंधियारा है। सबके अंदर सबके मन में क्या बैठा है अभी? शास्त्र भी हम बहुत पढ़े लेकिन फिर भी जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं आया। ज्ञान सागर के द्वारा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ओम शांति। शिव बाबा अपने सारी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खाते। क्रोध आएगा ऐसे लगेगा कि थप्पड़ उठाए तो कंट्रोल करना है। क्रोध पहले मन में आता है, गर्म में थोड़ी आता है। मन का संकल्प चलेगा कि इसको देख के गुस्सा आएगा, ऐसा लगेगा इसको देख थप्पड़ लगाएगा, तो क्या थप्पड़ लगाएंगे? एक तो क्रोध में बोला, एक पाप हुआ, गर्म में आ गया तो पाप हो गया। इतना भी कर्म कब विनाश करेंगे? पहले से इतना भी कर्म है तो भले कितना भी क्रोध आए किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा, क्योंकि हाथ उठा लिया तो पाप नहीं होता है। इतना पाप नहीं होता है, अगर किसी को हाथ तो बहुत पाप होता है। कल बाबा कह रहे थे ध्यान रखना कोई भी पाप कर्म ना, ध्यान रखना, क्योंकि पहले से भी बहुत जमा है, अब नए से कोई भी पाप कर्म हमारे जमा हो, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम उसको विनाश कर सकेंगे। दूसरा है क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान है समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाली स्मृति स्वरूप हवा। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ गया समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप इस ज्ञान का एसेंस है। हर कार्य करने के पहले इस वरदान के द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। फिर कर्म में आओ, कर्म करने के बाद चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंतिम काल समर्थ रहा। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति के द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस।